फाइट लेने के प्रॉपर चांस तो देता बेटा भाई, थर्ड पार्टी करके कौन सा बाप बन रहा है किसी का? क्या उखाड़ लिया तुमने जिंदगी में? सबसे वही फैट है, फ्री फायर फ्री फायर फ्री फायर बोर एकदम। कम ऑन मेरे भाई, आओ फाइट। ओ देवियों सज्जनों, आज का कहानी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। खतरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जब मैं एक लाइपेड आईपेड स्ट्रीमर को चैलेंज देने के लिए जाता हूँ, भाई साहब मैं डर जाता हूँ। गेम प्ले देखिए, बातें सुन के मैं देखो, पूरा कहानी यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा तो ना आपको समझ में आएगा ना मैं समझा पाऊंगा। जो होगा संभाल लेना आप लोग। एक बार यहाँ पे प्लेन पे नोटिस करो, मेरा नाम है किलर है और यहाँ पे ऑल पे गौर से सुनोगे तो कोई वाइटी वाला बंदा मेरे को यहाँ पे चैलेंज दे रहा है। प्लेन वाले अपने अपने माँ की शादी कर रहा है। ये गेम डालने का मेरे को कोई इरादा नहीं था। आज मैं एक्चुअली आईपैड स्ट्रीमर को चैलेंज दिया था, भारी भारी सीन हो गया तो वो वीडियो में डालने वाला था, बस वही सिंगल वीडियो में डालने वाला था। फिर यहाँ पे प्लेन पे खतरनाक चैलेंज हो गया, दैट्स व्हाई मेरे को ये वीडियो डालना पड़ा। ये वीडियो के साथ आईपैड स्ट्रीमर का भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल इसके साथ एंट्री होता है इवेंट पे आसपास ढेर सारे बार। और मैं जो चैलेंज वगैरह दे रहे थे उनका मैं इंतजार कर रहा था, उससे पहले यहाँ पे दूसरे स्क्वाड के साथ मेरा फाइट हो जाता है। सडनली सामने बता रहा था, अबे मता भाई शॉटगन है इसके पास। बंदे बहुत तेज थे, रस नहीं कर रहे थे मेरे ऊपर। नीड कर रहे क्या? अबे यार भाई साहब, जैसे तैसे करके इसको भी खत्म करता हूं। जब तक मैं लूट करता पीछे से एक और स्पॉट। एक बंदे को तो फिनिश कर देता हूं, इसके बाकी के बंदे सामने की तरफ थे। जब तक मैं यहाँ पे हील करता उससे पहले भाई साहब बंदे ने एग्जिट नीड किया और चारों तरफ से मेरे को घेर के मार दिया था। पर जो भी हो, यहाँ पे रिवेंज तो बनता ही था। दैट्स व्हाई बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली वही वाले बिल्डिंग पे रश करने वाला था। और ये बंदों ने मेरा मम्मी शूट भी ले लिया था। अभी देखो जिस बंदे ने मेरे को नीड करके मारा था वो आसपास कहीं पे कैंप कर गया था। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लेता, उसके साथ थोड़ी देर बाद फाइट होने वाला, मैं जल्दी से आगे की तरफ जाता हूँ। इतने में सामने एक बंदा स्पॉट हुआ। सामने की तरफ बंदे को स्पॉट तो कर लिया था, मैं जल्दी से एक नेड करना चाहता था। नेड काफी ज्यादा एक्यूरेट था, बंदे को तकड़े वाला डैमेज पड़ता है। बंदा यहां से निकलने की तैयारी कर रहा था उससे पहले। खैर इसको तो जैसे तैसे करके खत्म कर देता हूं, जस्ट यहां से लोकेशन शिफ्ट करके आगे की तरफ आता हूं। वॉच आउट, एक बंदा स्वॉट होता है। बेचारा फ्री फायर में ही चला जाता है। बंदे को फिनिश करके जब मैं निकलने की कोशिश कर रहा था सामने फुटस्टेप मिलता है।
ये स्क्वाड को मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। यहाँ पे बंदे अलग अलग डायरेक्शन से मेरे ऊपर रश कर रहे थे और काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानी आता उससे पहले। यहाँ पे एक बंदा मेरे ऊपर आ चुका था, दैट्स व्हाई मैं जस्ट आगे की तरफ जाता हूँ, बंदा स्पॉट नहीं करता मेरे को। गेम प्ले का आखिरी बड़ा था, कुछ भी करके मेरे को चिकन निकालना था। लास्ट गेम में भी हमने चिकन निकाला था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के लिए खेल रहा था, जो सामने वाले बिल्डिंग पे चले जाता। मेरा लोकेशन रिवील हो चुका था, कहीं से भी पढ़ सकता था, इनके बाकी के स्क्वाड मेंबर भी जिंदा थे। दैट्स व्हाई कंप्लीटली मैं रोटेशन देता हूँ और बंदों को मेरा लोकेशन पता नहीं था। बंदा सामने स्पॉट हुआ, मेरे को यहाँ पे लग रहा था कि बंदा मेरे को स्पॉट नहीं कर पाएगा, ये दूसरे किसी के साथ फाइट ले रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली बंदे ने स्पॉट कर लिया था मेरे को। पर फिलहाल सामने बंदा, फ्री फायर कर रहा है भाई साहब, एक गोली भी नहीं पड़ता है डीपीएस का, इसको तो खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। जब आगे जाता हूं सामने दो स्कोर के बीच फाइट चल रहा था। इवेंट में अगर नोटिस करोगे तो आखिरी के दो बंदे जिंदा है, अगर मैं इनको खत्म कर देता हूं तब इवेंट में फाइनली झंडा गाड़ सकता है। पर उससे पहले जब मैं आगे की तरफ जा रहा था दो स्कोर के बीच फाइट चल रहा था। एक बंदा गया, दूसरे बंदे को जैसे तैसे करके खत्म कर दे, फाइनली हक के साथ बोलेगा फाइनली हमने इवेंट के ऊपर झंडा काट दिया। मेरा फाइनल और आखिरी स्ट्रेटेजी ये था, मेन स्टेशन को अगर ऑक्यूपाई कर लेता हूं देन ये गेम मेरा बन सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली जब मैं ये वाले लोकेशन पे आता हूं, ऊपर एक पहले से बंदा था और इनके बाकी के मेंबर्स को भी ये बुला लिया था, तो नीचे ऊपर चारों तरफ से मैं यहां पर घेरने वाला था। तुरंत ही मैं नेट कुक किया, फिलहाल देखो भाई साहब बाल बाल बचता हूं। जब तक मैं नीचे जाता इसके स्क्वाड मेंबर्स आ चुके थे और चारों तरफ से नेट में होली आ रहा था, शायद एक दो बंदे हैं। बात सुन, दो बंदे को तो मैंने खत्म कर दिया, आखिरी बंदा ऊपर की तरफ था। अनफॉर्चुनेटली ये बंदा दूसरे किसी स्नाइपर के हाथों यहाँ पे खत्म हो जाता है। स्नाइपर शायद तक सामने के हिस्से में, जल्दी से मैं ये वाले बिल्डिंग पे आता हूँ। ऑब्वियसली बात है मैं जोन के अंदर हूँ, तो यहाँ पे टेंशन की कोई बात तो नहीं था, पर फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के लिए खेलेंगे तो इससे चिकन डिनर बन सकता है। दैट्स व्हाई पहले लोकेशन शिफ्ट करता हूँ और सामने एक फेक स्मोक कर देता हूँ। बंदा शील्ड की मदद से रश करने की तैयारी तो कर रहा था, पर जैसे तैसे करके इसको खत्म कर दे फाइनली हक के साथ बोलेगा फाइनली हमने पूरे रंगल के ऊपर झंडा काट दिया। एक आईपे स्ट्रीमर कॉनकर पुश कर रहे थे और खतरनाक तरीके से खेल रहे थे, मैं उनके स्ट्रीम में पहुंचता हूं और यहां पे गजब बंदा है साला, चोर कहीं का, रुक जाता थोड़ा, रुक जाता बेटी, हां फाइट लेने के एक प्रॉपर चांस तो देता बेटा भाई। थर्ड पार्टी करके कौन सा तू बाप बन रहा है यार, क्या उखाड़ लिया तूने जिंदगी में थर्ड पार्टी करके उखाड़ क्या लिया। स्ट्रीमर का गुस्सा धीरे धीरे करके टॉप नोच पे जा रहा था, अभी भाई मेरा हंसी बंद होने वाला है क्या। बेंड करके शकल के बेंड के कुत्ते, अबे यार कहां से आ गया ये, कहां से आ गया ये गंदी नाली का कीड़ा। नहीं तो बैठ गया, लिखना सीख क्या पहले जाके, चल बाद में आके बोल। कितने लंबे बेरोजगार, जाके पेंटिंग कर।
इशारे मत कर इधर, पीछे बोल रहा है, सुन नहीं रहा लगता है। उसकी माँ को वो ऐसी करता, तू भी तेरी बहन को भेजता है। दो लोग गाली दे रहे हैं यहाँ पे मिल के भाई, लगे पड़े। अच्छा भगाओ ना यार इसको, मोड़ के अंडे दे रहे क्या? तो लात मार दो उसके पिछवाड़े पे भाई साहब, मोड़ तक को भी गाली पड़ रहा है यहाँ पे भाई, खतरनाक। मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, मैं तुरंत ही अभी चैलेंज दे देता हूँ जल्दी से भाई। क्या मेरे साथ एक 1v1 करोगे भाई? एक बार मेरे साथ 1v1 कर लो, सुपर चैट करूँ शुभम भाई। कितने की सुपर चैट कर रहे बताओ भाई? जितने की बोलोगे उतने की कर देंगे भाई। अभी खेलोगे क्या बताओ आप? करते हैं मैच एंड में करते हैं, आप देख लो भाई। ये बोल के भाई अभी अपने गेम में लग जाते हैं, और मैं सोच रहा था कि वेट करे ना करे, फिर कुछ देर बाद भाई ये बोलता है। वो अपने सुपर चैट वाले भाई है या नहीं? रजन सर। अरे शुभम भाई अब वही हो गया 1v1 वाले भाई। वही भाई, वो अच्छा शुभम भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अच्छा जी मैं बोल सकता हूँ, गुलाब खा दो। वही कह रहा था गुलाबो में तुम्हें खाना, खाना पहुंच रहा मतलब इज लकी। हां पर भाई मेरे साथ तो कर लो 1v1। यस शुभम भाई डन, लेट्स गो भाई, लगाओ जल्दी रूम बनाओ। हां जल्दी चलो यार जल्दी मेरे भाई, क्या नाम है आपका? शुभम भाई। गुस्सा 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 ना को भाई, रूम बना लेता हूं जल्दी। शुभम भाई ने रूम बनाया। देखो क्या बात है भाई, मैं तो खुद ही लेके कादिस रे, गलत रे, नाइस वो सर पर ये भाई शायद अच्छी इरादे से मारा था, अगर भाई के इरादे वैसे गंदे हो तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। कब से वही बैठा है, प्री फायर प्री फायर प्री फायर, बोर एकदम। कम ऑन मेरे भाई, भाई ने अभी बोल दिया क्या है टीपीपी टीपीपी टच 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 टच, ये सब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं समझ रहा हूँ भाई, गुस्सा मेरे को भाई गुस्सा। हम अभी आपके पास घुस के हमला करेंगे इज्जत, और अगर मौका मिला पैन भी मार देंगे। जी 1 HP बस।
बट तुम हो किधर? बहुत गंदा पिट रहे हो भाई। क्या बोलने का? अब वो जीतने के लिए खेल रहा हूँ। नाइस कि भाई देखो मैं स्ट्रीमर को लाइव पे मारा। बैन के बाद भाई को थोड़ा सा आ जाता है गुस्सा, स्ट्रीमर हो जाएगा शो ऑफ करेगा, स्ट्रीमर को मार दिया तो करूंगा भाई मार दिया स्ट्रीमर को जोक से, बट ऐसा कोई रहता नहीं था। अब भी लाइव पे कंटेंट दे रहा हूं, हम भी कंटेंट ही दे रहे हैं, ऐसा कोई पर्सनल ऐसा कोई दिस वन नहीं है, समझो। भाई ये वो हो सकता है, हो सकता है, क्या पता। अरे बनिश ले, जानबूझ के पागल जैसा करता है, नो यूज, ऊपर ऊपर बुलेट मार रहा है, इसको क्या लग रहा है ऐसा करने से। चलो छोड़ो भाई, जो भी थे तुम अच्छा खेले, टेक केयर सबको। उसके बाद क्या था, स्ट्रीमर थोड़ा सा गुस्सा में लग रहे थे, हमला चाहते कि कोई गुस्सा करे, मैं अपने ऑफिशियल आईडी से कमेंट करने ही वाला था, इनफैक्ट कमेंट हो भी गया था, तब तक भाई स्ट्रीम एंड हो जाता है, भाई गुड बाय टाटा गुस्से के साथ ही चले जाते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ ना कर सकते, ऐसे ही खत्म होता है आजकल कहानी। और छोटा सा कहानी रह गया था, ये एक बार देखो आप। अब समझो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे कोई कैंपर भी मारेगा ना, ठीक है, फिर भी बंदे मुझे कहेंगे तू, ठीक है। और वही अच्छा। अगर एक लड़की के साथ होता, अगर समझो मैं फीमेल स्ट्रीमर होता, एकदम समझ रहे हो, सुंदर अच्छा। हसीना, तो फिर क्या करते बंदे, अरे अरे कोई ना, आपकी गलती नहीं है, निराश मत हो, अरे अरे आपका गलती नहीं है, निराश ना हो, निराश मत होना, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं, आप तो खुले से आराम से जा रहे थे, आपको तो कैंपर ने मारा। ये सब बोलने के बाद अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, ये अगर कोई सुंदर सुशील महिला होती तो क्या बोलते आप लोग, अरे अरे आपकी गलती नहीं है, ये कोई जगह है गाड़ी चलाने का, विजय मैं भाई इतना सारा रोड है, रोड पे गाड़ी चला, खेती पे गाड़ी चलाया ऐसे बोलते अगर लोंडिया होती तो